Organization used to publish the ease of doing business report which have been recently discontinued. So ease of doing business publish kaun karta tha? World Bank. Ab recently ease of doing business jo World Bank ki hai usne discontinue kar diya hai. Kyun kiya hai? Because 2019 aur 2020 mein jo report aayi thi aisa claim kiya gaya hai ki usme China ki ranking improve ki gayi thi. Wahan ke clerk ne data feeding mein कुछ पैरामीटर गड़बड़ किए थे, इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में है. और अभी वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टॉप और डिसकंटिन्यू कर दी गई है. इंडिया की अगर रैंकिंग देख लें तो इंडिया की रैंकिंग 63 थी लास्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 इज रिलीज बाई, सो राइट आंसर यूनर्स को. इस रिपोर्ट के अंडर क्या है कि जो टीचर हैं इनके वर्क प्रोफाइल को और इनके प्रोफेशन को स्टडी किया गया है, उसके ऊपर बेस्ड रिपोर्ट है. और ये फाउंड हुआ है कि अप्रॉक्स अभी भी 1.2 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ सिंगल टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरा स्कूल ही सिंगल टीचर पर चल रहा है. और इसकी थीम थी टीचर्स टीचिंग एंड टीचर्स एजुकेशन, ये थीम थी. और ये जो ऐसे स्कूल्स हैं मोस्टली सिंगल टीचर बेस्ड स्कूल हैं, ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? अरुणाचल प्रदेश में, गोवा. सो ये रिपोर्ट थी, इसके कुछ की पॉइंट हैं जो डिस्कस कर दिए गए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड Employment and Social Outlook 2021. So right answer is ILO, International Labour Organizations. इस रिपोर्ट में जब पेंडेमिक आया था कोविड, उस दौरान ये रिपोर्ट आई थी. और इसमें जो भी वर्कफोर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, और ये रिपोर्ट में फाउंड हुआ कि अप्रॉक्स 5-6% वुमेन ने एज कम्पेयर टू वुमेन जॉब खोई हैं. सो ये रिपोर्ट थी ILO की. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये किसकी है? ये ग्रीन वॉच है. ये क्या है? एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ये पब्लिश करता है. और इसमें इंडिया की रैंक देख लेते हैं. इंडिया की रैंक है 7. देख सकते हैं कि इंडिया की जो ये 1.10 7 रैंक है इंडिया की. क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. सो राइट आंसर इज IMF. ये IMF रिलीज करता है. तो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट